एक बात मुझे बताइए कि अतिक्रमण इस देश के अंदर बहुत सारी जगह पर है, या फिर आप कहिए कि दिल्ली ही बनी अतिक्रमण के नाम पर है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंडफिल है वो DDA की है या MCD की है। दिल्ली में लोगों का तो बहुत ही कम अपने लोगों का घर है, दिल्ली तो पूरी अतिक्रमण पर बनी हुई है, तो आप पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चला दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंत्रियों के भी बहुत सारे ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं, उनकी दुकानें हैं जो वो चलाते हैं बाहर बाहर तक निकाल के, उनका छज्जा निकला हुआ कई कई फुट बाहर तक, उनों के घरों पर नहीं चल रहा है बुलडोजर। बहुत जल्द शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से पहले मैं RTI लगाकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और मंत्री हैं उनों का मैं घर का सभी का बही चिट्ठा निकालूंगा, उनों के घर के छज्जे जितने मतलब बाहर हैं और जिस जिसने विदाउट नक्शे के अपना घर बना रखा है वो सारा डाटा निकाल के मैं दिल्ली की सरकार को भी दूंगा, प्लस इसकी एक याचिका मैं कोर्ट के अंदर भी दाखिल करूंगा और फिर मैं कोर्ट से जवाब मांगूंगा कि कोर्ट इस देश के अंदर क्या कोर्ट की मान्यता कुछ है या नहीं है। इस देश के अंदर लोग सारा कुछ अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं, दूसरी ओर कभी सरकार कहती है कि अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चल रहा है, और कभी सरकार के नेता और मंत्री कहते हैं कि जो लोग इस देश के अंदर हिंसा करेंगे उनों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो पहले आप इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करिए कि बुलडोजर चल कैसे रहा है, बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पे चल रहा है या जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके नाम पे चल रहा है। अतिक्रमण के नाम पे चल रहा है, तो फिर जो लोग हिंसा की बात करें कि जो हिंसा करें उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उन नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने नहीं कहा। अरे भाई, हमने कहाँ कहा है? आप लोग कह रहे हैं कि एक तरफा बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, एक तरफा की बात करिए, मैंने अतिक्रमण और हिंसा की बात करी, आप ये बताइए। पहले आप सही अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाए ना, सुन लीजिए, पहली बात सुनिए। पहली बात तो ये कि ना तो मैं कान से बह रहा हूँ और ना ही आप बह रहे हैं कान से, तो आप इसलिए चिल्लाएं मत, अपने सवाल को बड़े शांति से और निष्पक्ष प्रिय ढंग से रखें, ठीक है ना। और आपने बात करी कि एक समुदाय की, हमने तो बात ही नहीं करी है कोई समुदाय की, हम जात पात को लेकर तो बात करते ही नहीं है, हम जात पात को लेकर हिंदू मुस्लिम को लेकर बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आई प्राउड टू बी इंडियन, कि मेरे को अपने आप को भारतीय होने पे गर्व है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने पर इतना गर्व नहीं करता जितना गर्व मैं अपने आप को भारतीय होने पे करता हूँ। मवाना, मेरठ के मवाना में 100 घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से। तो आपको मैं यही तो बता रहा हूँ, सरकार जो अपना वादा लेके आई थी, सरकार जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, उसके अंदर कहीं भी ये तो था नहीं कि जो लोग घर वाले हैं उनको बेघर किया जाएगा, ये तो कहीं नहीं था। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को आवास देने की बात करी थी, ये तो नहीं कहा था कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये जो बुलडोजर चल रहा है इसके अंदर कोई भी नेता मंत्री सांसद है? कोई भी नहीं है। बता दीजिए कि किसी भी नेता के घर पे चुन के नहीं चल रहा है, तो आप गरीबों का सभी को सुन लीजिए, जो अतिक्रमण है, जो गैर कानूनी जमीन है जहाँ पे घर बना रखा है उसके ऊपर बुलडोजर। अरे तो भैया सरकार, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप जो हैं वो पत्रकार जो हैं वो पत्रकार उस लेवल के पत्रकार नहीं है जो आप थोड़ा सा ध्यान भी दें और ज्ञान भी इकट्ठा करें। आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं भी किसी भी जगह पे बुलडोजर चलने से पहले वहां पर रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जाता है। दूसरी बात ये कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का इंतजाम कहीं और किया जाता है, उसके बाद उस जगह पर बुलडोजर चल सकता है, चाहे वो अतिक्रमण क्यों ना हो। ऐसे तो कोई भी आकर के घर बना ले कहीं पर भी। अरे भैया कहीं भी घर देगी, मेरी बात तो सुन लीजिए, कहीं भी बनाने की बात नहीं होती है। सुन लीजिए, ये पहली बार हो रहा है क्या? वाजपेयी जी की सरकार में भी जब झुग्गियों को हटाया गया था तब भी ये हुआ था, आपने देखा नहीं था पार्लियामेंट के अंदर क्या कानून लाया गया था? तो आपको तभी कहता हूँ कि पहले पुख्ता जानकारी को इकट्ठा करिए। और बात कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ ये बात मैं आपसे पहले भी चीख चीख के बोल रहा था, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और ये बात हमने पूरे चीख चीख के बोली, पूरे चुनाव के दौरान बोली कि हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है, बाकी 5 साल आपको मुर्गा बनाया जाएगा और तबाह के आपके ऊपर लठ पेला जाएगा। और वही हो रहा है, नतीजे आने शुरू हो गए हैं, आपको दबा के पीटा जा रहा है, आपको दबा के पेला जा रहा है, आपके घरों पर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? जी जो अवैध है उस पर बुलडोजर नहीं। आपने दिल्ली का स्ट्रक्चर कितना देखा है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप सामने आकर मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर आप दिल्ली के अंदर लैंडफिल की जमीनों को देखें तो सारा ही अतिक्रमण है, बता दीजिए ना आप मुझे। आपका एक मिनट रुक जाइए, आपका खुद का घर, एक मिनट, आपका घर खुद का घर जो है वो आपने नक्शा पास करा के बनाया है, ये बताइए आप मुझे। आप अपने घर का बताइए, आपने बनाया है नक्शा पास करा के? आप जहाँ तो किसका, आप बेघर है, सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, कहाँ पे?
सुनिए, किराए पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो जो जिस किराए पे रहते हैं उस किराए वाले ने जो मकान बना रखा है वो नक्शा लेके बना रखा है। उनसे जाके पूछिए ना, तो आप वो आप पूछेंगे, मैं थोड़ी पूछूंगा। पूरा दिल्ली मतलब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरे को पता है इस हिंदुस्तान की पुरानी और गंदी आदत है कि इस देश के अंदर जिसको तकलीफ होती है ना सिर्फ वही बोलता है, ठीक है ना। और मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि इस देश का जब गरीब आदमी बेघर होता है ना, सरकार की औकात नहीं है दो वक्त की रोटी देने की, सरकार की औकात नहीं है नौजवानों को रोजगार देने की, सरकार की औकात नहीं है इस देश के अंदर गरीब मजदूर को उसका हक दिलाने की, और सरकार उनके घर पे बुलडोजर चला रही है। मैं आपसे पूछता हूँ एज अ रिपोर्टर, चलिए माना वो अतिक्रमण है, सब कुछ है, लेकिन इतनी गर्मी के दौरान क्या उन लोगों को घर से बेघर करना जायज है विदाउट एनी नोटिस? आपने देखा जहांगीरपुरी में विदाउट एनी नोटिस बुलडोजर चला, क्या वो लीगल है? सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद उनके घर पे बुलडोजर चला, क्या वो लीगल है? लिखित रूप पे नहीं मिला था ना, कहाँ मिला? लिखित रूप से जब आएगा तभी तो वो बुलडोजर रुकेगा। किस पे लिखित रूप पे? अरे आपको इतने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप, अरे पत्रकारें को इनको बोलिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके घर पे बुलडोजर चलेगा तो सरकार पहले आपको नोटिस भेजेगी, जिसको बोलते हैं लीगल नोटिस। आपके घर पे जब लीगल नोटिस नहीं आया तो विदाउट लीगल नोटिस पहले मिला होगा। अरे अरे भैया, वो नेता मेयर मना कर रहा है दिल्ली का, आप कह रहे हैं मिला होगा, आप दिमाग से पैदल हैं क्या? वो मेयर मना कर रहे हैं दिल्ली के और ये कह रहे हैं नोटिस मिला होगा। मेयर ने ही तो कार्रवाई किया था ना, बिना नोटिस कैसे कार्रवाई कर लेगा? राजा इकबाल सिंह जयहर तो पहले मेयर, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उन्होंने ये बात बोली, आपने उनका स्टेटमेंट सुना था? सुना था आपने उनका स्टेटमेंट? अरे एक मिनट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था, मैं आपकी तरह आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं खड़ा हुआ रहता। उनके स्टेटमेंट में उनका कहना था कि हमारे पास जो है वो नोटिस, हम इन लोगों को पहले भी कह चुके थे, नोटिस का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। असल में ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी के घर पर बुलडोजर चलाते हैं तो आपको पहले उसके घर पर नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद आप उनके घर पर बुलडोजर चला सकते हैं। शाहीनबाग में भी तो यही हो रहा है ना, पहले जांच की गई, आइडेंटिफाई किया गया जगह को, उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। पहली बात आप मुझे ये बताइए, सुनिए सुन तो लीजिए मेरी बात, जो लोग बेघर हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन लोगों को कहाँ वो दिया जाएगा घर, आप मुझे ये बता दीजिए। आप सरकारी जमीन में घर बना लेंगे तो फिर सरकार जिम्मा थोड़ी लेके रखी है? अरे सरकार जिम्मा क्यों नहीं लेके रखी आप कैसी बात कर रहे हैं आप ये तो मूर्खों वाला सवाल कर रहे हैं, क्या है आपका सवाल? आप ये अपने निजी जमीन में घर बनाइए ना आप। अरे निजी जमीन सुन लीजिए, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कह रहे हैं ना गरीबों को घर मिला, तो कहाँ मिलेगा आप गरीबों को घर, ये बता दीजिए आप। इतने सारे लोग बेघर होंगे, वो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनको कहाँ घर मिलेगा, इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। तो सरकार तो घर दे ही रही है, कहाँ दे रही है? उसके घर में थोड़ी आप बना के। अरे कहाँ दे रही है घर सरकार, ये तो बता दीजिए, कहाँ मिल रहा है? अरे अगर आवास मिल रहा होता तो उनको उस आवास में रखवाइए, झुग्गी वालों को मकान दे। अरे आपने यही बोला था ना कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो झुग्गियाँ तो बनी है जिनको आप अतिक्रमण के नाम पे बना रहे हैं, झुग्गी कोई वेरीफाइड होके नक्शा पास होके तो बनती नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर झुग्गी का नक्शा पास करा के झुग्गी को बनाता हो, झुग्गी कोई नक्शा पास करके तो बनती नहीं है, ठीक है ना, तो झुग्गी तो अतिक्रमण पे ही होती है, अवैध ही होती है झुग्गी। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो भैया दे दीजिए मकान, इतने सारे लोगों को बेघर कर रहे हैं। अभी इस समय जो है जहांगीरपुरी में बुलडोजर चढ़ाया, आप शाहीनबाग की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार जो है वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा तराश रही है, सरकार सोच रही है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और जब गृह युद्ध जैसी स्थिति, आप हर मुद्दा को हिंदू मुसलमान से जोड़ दे तो आप कह रहे तराश रही, हो सकता है आप भी जोड़ रहे हो। मैंने कौन सा जोड़ दिया? अरे मैंने कौन सा जोड़ दिया हिंदू मुसलमान से जोड़ना? मैंने किसको? एक मिनट चलेगा, ये मुझे लगता है इन पत्रकार का थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। पूरी वीडियो को सुनिएगा, मैंने कहीं हिंदू और मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो गरीब मजदूर की बात करी है। ये पता नहीं गरीब मजदूर को, गरीब और मजदूर को ये जो है हिंदू और मुस्लिम से जोड़ देते हैं, कोई इनका दिमाग का थोड़ा सा दिखवाइए, ये पत्रकार किस प्रकार का, एक धर्म पे बुलडोजर चल रहा है, किसने कहा ये? अरे एक देखिए, इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अभी एक ही थे अब ये दूसरे भी शुरू हो गए। जाति धर्म मजहब कहाँ से आता है? आप ठेकेदार हैं, आपने साथी सारे जाति धर्म मजहब का आप ही ने ठेका ले लिया है, आपको इकोनॉमी हेल्थ डेवलपमेंट ये सब समझ में नहीं आता? आप कभी किसी जाते गीता के श्लोक सुनाइए, कभी कहते रामायण में कितने अध्याय है वो बताइए, गीता में कितने अध्याय। अरे आप ये बताइए कि आप यहाँ कोई मंदिर के पंडित बैठे हैं या मौलाना बैठे हैं, आप एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करिए ना, ये क्या मुद्दे हैं आपके पास में? आपके आप मंदिर पे हो तो बात शिक्षा की बात होगी, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, किसको खतरा? हनुमान चालीसा पे है धर्म। अरे आप एक बात, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने, आप सबसे बड़े इस दुनिया के मूर्ख हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आप, फिर सुन पहले सवाल सुनिएगा, पहले आप सवाल सुनिएगा, अगर मैं गलत बोलूं और जनता भी बताए इस बात को अगर मैं गलत बोल रहा हूं, इस जो धर्म है
अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आता है, मेरे को डर और भय लगता है, तो मैं खुद राम की और हनुमान की शरण में जाता हूँ। और आप कहते हैं कि राम और हनुमान को खतरा है? अरे आपसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। इस देश के अंदर ना ईश्वर को खतरा है, ना अल्लाह को खतरा है, ना वाहेगुरु को खतरा है, ना जीजस को खतरा है। खतरा है नेताओं की कुर्सियों को, जिसके खातिर वो आप लोगों को, हम लोगों को आपस में लड़ाती हैं। बाकी ना इस देश में अली को, ना बजरंग बली को कभी ना किसी से खतरा था और ना कभी खतरा होगा। वो तो लोगों को खतरे से बाहर निकालने वाले लोग हैं, उनको भला किससे खतरा और किससे डर और किससे भय और किस बात का भय, ये बताइए ना। टीवी नहीं देखते, टीवी देख लिया तो पता चलेगा असली खतरा किसको है। हाँ, आप टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन आप जो है वो सोशल मीडिया भी अच्छे से यूज नहीं करते हैं। आपने देखा ना उन टीवी चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भी भेजा है, देखा नहीं देखा? हाँ, तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आज देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि भैया आप जो हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। चर्चा इस बात पे है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश की सरकार से एज अ यंगेस्टर, एज अ युवा, एज अ नौजवान आप भारत देश की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। प्रश्न आज इस बात का नहीं है कि आप अली को मानने वाले हैं या बजरंग बली को मानने वाले हैं। प्रश्न इस बात का है कि अली और बजरंग बली दोनों वाले आज रोजगार मांग रहे हैं, बेहतर हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट मांग रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? चांद पे मिल रहा है या मंगल पे मिल रहा है? क्या देखे, क्या देखे है? देखिए, इसको कहते हैं इनको 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ से 4.5 लाख पे आ गए। इन जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद है। देश के अंदर तबाही का जो मंजर आप देख रहे हैं ना, जो देश के अंदर जो तबाही का, एक सवाल है, क्या सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? किस, क्या सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है? सरकारी नौकरी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी तो नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने कहा हम रोजगार देंगे। अच्छा, जाइए बहुत सारे क्षेत्र में काम कीजिए ना, घर में आप एक मिनट रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए। रोजगार तो वो भी कर रहा था जिस जूस वाले का आप उठा कर ले गए क्रेन, ये बताइए उस जूस वाले की, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सरकार, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा ना, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए, सरकारी नौकरी पाना रोजगार नहीं, सुन लीजिए इस पर, अरे सुन लीजिए ना, अगर आपका भाई यूपीएससी की, आईएएस की, पीसीएस की, एलएलबी की, लॉ की, या इंटर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, एमबीए, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी डिग्री ले रखी है उसने, उससे क्या तलवाएंगे? पकौड़ा या रात की चौकीदारी? क्या बिजनेस भी कर सकते हैं, बतेरे बिजनेस है। बिजनेस में क्या करवाएंगे आप बताइए? अरे पकौड़ा तलना खराब किसने, नहीं आप एक बात मुझे बताइए ना, पकौड़ा तलना खराब नहीं है तो पत्रकारिता और पकौड़े की तुलना मतलब एक बच्चा जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस छोड़कर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, पकौड़ा तल ले, योग्यता भी तो होना चाहिए ना नौकरी के। अरे एमबीबीएस की जो तैयारी कर रहा है उसमें योग्यता नहीं है? डिग्री लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री तो ऐसे मिल जा रही है। कहाँ मिलती है डिग्री भाई? पत्रकार अपने मुँह से कह रहे हैं फर्जी डिग्री मिलती है, कहाँ मिलती है फर्जी डिग्री? कहाँ से मिलती है, नाम बताइए एक दो का। अरे इस देश के अंदर पत्रकार कह रहे हैं, सुन लीजिए, फर्जी डिग्री मिलती है, बताइए कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है? आप एक बार बताइए अभी, एक मिनट, यूपी, अरे भैया यूपी क्या विदेश में है? हैं, यूपी किसकी? क्लर्क। तो आप क्यों नहीं बन जाते क्लर्क? बहुत सारे बने हुए, कितने बहुत सारे बने हुए, तो आप क्यों नहीं बन जाते क्लर्क? सुन लीजिए, अभी आर्मी की निकल रही है वैकेंसी, आर्मी की, एक मिनट, आर्मी की लोग तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की वैकेंसी निकल रही है, जरा ये बताइए निकल रही है आर्मी की वैकेंसियां, जवाब दीजिए ना। अरे जिसकी निकल रही है उसकी तो बात करो, हैं, कब होगी भर्ती? जब उम्र निकल जाएगी तब होगी, जब उम्र निकल, एक मिनट, जब उम्र निकल जाएगी तब तब होगी भर्ती। किसको? अरे मेरी बात छोड़िए ना, मेरा भाई एक आर्मी के अंदर है, दूसरा भी तैयारी कर रहा है, लेकिन निकल ही नहीं रही है भर्ती। अरे आप हमारे सुनिए, आप हमारे को सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप ये सोचिए ना कि आप कह रहे हैं ना कि आप ही के साथ ही कि पकौड़ा तलना रोजगार है, तो आप जनाब पकौड़ा कब से चल रहे हैं? जो आप जूस वाले की बात कर रहे हैं वो रोड पे लगाए हुए थे। हाँ, तो यही तो मैं आपसे, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि ये जूस वाले की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आराम से सुनिए, ये इन्होंने कहा कि वो जूस वाला रोड पे लगाया हुआ था। एक बात आप मुझे बताइए कि भाई वो गरीब आदमी है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक दुकान को खरीद सके, तभी तो वो रोड पे लगा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो रोड पे नहीं लगाया, बता दीजिए आप किस जगह वो गन्ने का जूस अपना बेचे? सरकार ने गरीबों के लिए कोई जगह निश्चित करिए कि जहाँ पर गरीब अपना ठेला लगा सके? गरीब को आपको पता, एक मिनट प्लीज, मैं आज चाहता हूँ आपसे, प्लीज कोई इंटरप्ट मत करिएगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई नहीं बोलता गरीब के लिए, हम बोलेंगे गरीब के लिए, और आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, 2 मिनट बोलने दीजिए। गरीब जब ठेला लगा के खड़ा होता है ना, एमसीडी की वहां से गाड़ी आती है उठाने के लिए, गरीब ठेला लेके भागता है सड़ती धूप में, ध्यान रखिएगा।
गरीब इस देश के अंदर अगर दो मिनट के लिए पानी पीने के लिए चला जाता है ना गर्मी के अंदर, तो उसको बोलना पड़ता है भैया मेरे ठेले का ध्यान रख लेना, अगर वो गाड़ी आ जाए उठाने वाली तो मुझे बता देना। गरीब का इतना शोषण होता है कि सड़क पर ठेली लगाने वाला, केले वाला, सेब वाला, अमरूद वाला, या तो वो महीने का पैसा देगा या हफ्ता देगा, तब जाके उसकी ठेली वहां पर लगेगी। और महीना और हफ्ता देने के बावजूद अगर किसी कारण से उसको ये नहीं पता चलता कि आज गाड़ी उठाने के लिए आ रही है, तो उसकी जूस के कोल्यू पर इस तरीके से आपने देखा कि बुलडोजर चल जाती है, क्रेन के जरिए उठा लिया जाता है। आपने कहा जो मतलब दो मिनट का समय देने के, मैं गरीबों बोलूंगा, गरीबों के लिए मैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हमारी तो गरीबों की ही पार्टी, हम गरीबों के लिए हम काम करते हैं। भाई कौन सा गरीबों के लिए काम हो रहा है ये बता दीजिए ना। ये गरीबों के लिए काम हो रहा है कि गरीबों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, उनको जूस को क्रेन के जरिए उठा लिया जा रहा है, ये गरीबों के हित में काम है। वो जूस वाला सुन लीजिए, वो जूस वाला टायर के, सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए, चिल्लाते रहिए चिल्लाते रहिए चिल्लाइए, अरे एक मिनट, इनको चिल्लाने का बहुत शौक है, चिल्लाइए। गरीबों का पैर भी धोते हैं, आपने देखा नहीं है तो आप बोले चिल्लाइए चिल्लाइए, हो गया आपका, देखा नहीं आपने, क्या बताइए आपने देखा नहीं, हाँ आप सवाल नहीं सुने, हाँ बताइए। अरे मैंने सुना कि आपने कहा कि प्रधान, अरे सुन लीजिए, आपने कहा ना, सुनिए बे ऊट पटांग, मैं एक बारी में कान से सुना, आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के पैर भी धोते हैं, यही कहा ना आपने, तो इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। एक फिल्म आई थी, आप सभी ने उस फिल्म को देखा होगा, उस फिल्म का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें एक जो है वो नेताजी आते हैं जब चुनाव का वक्त होता है, तो वहां पर दलितों के घर पे आते हैं, लेकिन प्लेट बाहर से मंगवाते हैं और खाना भी खाते हैं, तो वो वहां से लेडीज चिल्लाती है कि आ गए फिर दोबारा से गरीबों के घर में खाना खाने के लिए, प्लेट भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हैं अब याद आ गई तुम्हें दलितों की, तो वही वाला हिसाब है। जब प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं मिलता तब गरीबों की याद आती है। तो मैं आपसे कहता हूँ आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात उठाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया।